तो हमें जिस फोटो को एडिट करना है उसको अपने गैलरी से ले लेंगे। तो हमें एडिट करेंगे इस फोटो को, इस तरह एडिट करेंगे। तो इसको शेयर कर लेते हैं स्नैपशीट एप्लीकेशन में। उसके बाद जहाँ जहाँ ब्लैक है उसको बढ़ा लेंगे। यहाँ से इसमें ब्राइटनेस बढ़ा लेंगे, जहाँ जहाँ ब्लैक कलर का है उसको यहाँ से इसे करके ब्राइटनेस इसका बढ़ा लेंगे। अब इसको शेयर कर लेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो यहाँ से मेरे फ़ोन में दो बार शेयर करने पड़ जाता है यहाँ से, तो लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर कर लेंगे। तो हमारा फोटो लाइटरूम एप्लीकेशन में आ चुका है। लाइटरूम एप्लीकेशन में आने के बाद यहाँ पर लाइट वाला ऑप्शन के आएंगे, इसके एक्सपोजर को बढ़ा लेंगे, हाइट लाइट को कम, शेडो को बढ़ा लेंगे। उसके बाद यहाँ से वाइट को कम कर लेंगे, ब्लैक को कम कर लेंगे। कलर वाले ऑप्शन पाएंगे मिक्स टूल में आने के बाद, इसको ऑरेंज वाले ऑप्शन को यहाँ से कम कर लेंगे। उसके बाद इसको लेमनेस को बढ़ा लेंगे, रेड वाले ऑप्शन पर आने के बाद इसका लेमनेस को बढ़ा लेंगे। उसके बाद यहाँ से इसको ह्यू को बढ़ा लेंगे, सेचुरेशन को बढ़ा लेंगे। उसके बाद यहाँ से वेलो वाले ऑप्शन पर आने के बाद ह्यू को बढ़ा के लेमनेस को बढ़ा के सेचुरेशन को कम कर लेंगे। उसके बाद ग्रीन वाले ऑप्शन के बाद इसको भी ह्यू को बढ़ा लेंगे, सेचुरेशन को कम कर लेंगे और निमनेस को बढ़ा लेंगे। तो देख सकते हैं हमारा यहाँ फोटो एडिट हो चुका है। तो चलिए इसे सेव कर लेते हैं।